हेलो फ्रेंड्स, मीनूज रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ दो तरह के आइसक्रीम की रेसिपी। ये आइसक्रीम हम बिना आग जलाए हुए बनाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ये वाली जो नारियल आती है नारियल पानी पीने के लिए, उसमें जो अंदर में मलाई होती है, इससे आज हम आइसक्रीम बनाएंगे। तो उसके लिए हमें, तो यहाँ पे मैंने नारियल पानी जो हम पीते हैं उसका नारियल निकाल लिया है, अंदर का खोवा जो जिसको बोलते हैं वो ले लिया है। अगर आपके पास ये, इससे आप नहीं बनाना चाहें तो ताज़े नारियल जो होते हैं पानी वाले वो ले लें, और उसके ऊपर का जो पीला वाला छिलका होता है, ब्राउन वाला, वो हटा लें। वो ले लें एक दो चम्मच मलाई, ये फ्रेश मलाई है, आधा कटोरी फुल क्रीम दूध, दो चम्मच मिल्क पाउडर, थोड़ा सा जो नारियल का पानी निकलता है वो, चीनी दो बड़े चम्मच। तो पहले हम इसे थोड़ा सा नारियल पानी डाल के पीस लेते हैं। तो यहाँ पे हम जार ले लेंगे और जो हमने नारियल ले रखा है वो इसमें डाल देंगे। चार चम्मच नारियल पानी और पाउडर शुगर, ये सब डाल के हम इसको पीस लेते हैं। ये पीस लिया मैंने, देखिए एकदम इसका पेस्ट तैयार हो गया। अब इसी में हम डाल देते हैं दो चम्मच मिल्क पाउडर, दूध, और जो हमने मलाई ले रखी है वो, इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये अच्छे से मैंने इसमें पीस लिया है, ये देखिए कितना क्रीमी टेक्सचर आ गया। अब हम इसको जिसमें भी हमने आइसक्रीम को जमाना है, अगर आपके पास आइसक्रीम जमाने वाला है तो उसमें डाल ले, या फिर डिस्पोजल जो कप होता है उसमें डाल ले, या फिर किसी बाउल में डाल के और इसे जमा सकते हैं। तो ये मेरे पास आइसक्रीम जमाने वाला है तो उसमें मैं डाल के इसे जमा लेती हूँ। तो बैटर जो हमने बनाया है उसे डाल देते हैं, थोड़ा सा जगह खाली रखे। इसमें डाल लिया, अब हम इसको पैक करके अच्छे से इसे पैक कर ले, नहीं तो इसमें जो अगर एयर जाएगा तो आपका जो आइसक्रीम है वो अच्छे से नहीं जमेगा। तो इसे रात भर के लिए या 6 से 8 घंटे के लिए डीप फ्रीजर में डाल दे। ये देखिए, ये मैंने अब फ्रीजर से निकाल लिया है, तो इसे हम खोल लेते हैं। और एक चाकू से हल्का सा इसमें होल बना देंगे जिससे कि हमारा जो आइसक्रीम स्टिक है वो आराम से अंदर चला जाए। ये मैंने इसमें आइसक्रीम स्टिक डाल लिया, अब हम इसको थोड़ा देर ठंडा पानी में डालते हैं। नीचे का पोर्शन जो है, एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है, उसमें पानी डाल के जो आइसक्रीम का मोल्ड है उसको मैंने इसमें डाल दिया, जिससे कि ये इजिली निकल जाएगा इसमें से। तो बस थोड़ी देर के लिए इसमें हमें छोड़ना है, थोड़ी देर हो गए हैं, अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारा क्रीमी नारियल का आइसक्रीम बन के तैयार हो गया। मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए, वो भी बिना गैस जलाए हुए,
ये मैंने यहाँ पे एक कटोरी आम का पल्प ले लिया है, एक कटोरी उसी कटोरी से जिससे हमने आम का पल्प लिया है उसी कटोरी से हम एक कटोरी दूध ले लेंगे, 2 बड़े चम्मच घर की निकली हुई जो मलाई आती है वो है, नहीं तो आप अमूल का जो फ्रेश क्रीम आता है वो भी ले सकते हैं, 3 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर है। अगर आप मिल्क पाउडर नहीं लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मलाई को और ज्यादा बढ़ा ले। चीनी 5 बड़े चम्मच है। चीनी जो है वो आम पे डिपेंड करता है कि आपका आम कितना खट्टा या मीठा है, उसी हिसाब से चीनी ले ले। 1/4 चम्मच इलायची पाउडर। तो सबसे पहले हम एक जार ले लेते हैं, इसमें हम डाल देंगे आम का पल्प, उसी में हम डाल देंगे दूध, मिल्क पाउडर, मलाई, चीनी, इलायची पाउडर। अब इन सबको हम एक बार अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। ये मैंने अच्छे से इसे पीस लिया है, ये व्हाइट व्हाइट सा कलर हो गया है मैंगो आइसक्रीम के लिए, तो इसमें हम थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डाल देंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो नहीं। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक बार हम इसे डाल के और चला लेते हैं मिक्सी में। ये मैंने पीस लिया, ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। अब हम इसको जो आइसक्रीम जिसमें हमें जमाना है उसमें हम डाल लेते हैं। आपके पास अगर कोई डिस्पोजेबल कटोरी प्लेट जो भी हो आप उसमें डाल के जमा सकते हैं, मैं ये आइसक्रीम वाले में जमाऊंगी। तो अभी हम इसमें डाल देते हैं इसे। ये मैंने डाल लिया है। अब हम इसको सिल्वर फॉइल से बंद कर देते हैं जिससे कि इसमें एयर ना जाए। अब इसमें हम थोड़ा सा चाकू की सहायता से इसमें हल्का सा छेद कर लेंगे और ये आइसक्रीम स्टिक डाल देंगे। ऐसे ही करके सब में कर देते हैं। ये मैंने सारे आइसक्रीम स्टिक डाल दिए। अब हम इसको फ्रीजर में डाल देते हैं सेट होने के लिए 6 से 8 घंटे के लिए। 6 घंटे हो गए हैं और ये आइसक्रीम अच्छे से जम गया है। अब हम इस फॉइल को हटा लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से जम गया। अब हम इसको थोड़ी देर पानी में डाल देंगे, एक बड़े बर्तन में पानी लेके, और इसमें डाल देते हैं जिससे कि आइसक्रीम जो है वो अंदर से हल्का सा पिघल जाए, जिससे कि ये मोल्ड जो है आइसक्रीम का वो छोड़ देगा। कुछ सेकंड हो गए हैं, अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए ये हमारा मैंगो आइसक्रीम बनके तैयार हो गया। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करिए और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।